हेलो दोस्तों, रेलवे के लिए हेलो दोस्तों, रेलवे छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है दोस्तों। क्या रेलवे ने दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों का आंदोलन काम आ चुका है दोस्तों। यहां पर जो जागरण पेपर है उसमें स्पष्ट दिखा दिया है कि उम्मीदवारों के विरोध के चलते एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षाओं पर रेलवे सीधी जो भर्ती बोर्ड है उसने रोक लगा दी है दोस्तों। जो अभी पटना में बिहार साइड में जो उत्तर भारत में जो आंदोलन चल रहा था, वो छात्रों का आंदोलन काम आ चुका है दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल एनआर करण जीके क्लासेज के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले जो दोस्तों अपडेट लाते हैं, हम लोग अपडेट लाते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से रेलवे की परीक्षाएं यहां पर रद्द की गई हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है, इससे पहले दोस्तों एक नोटिस आया था। ये नोटिस था दोस्तों रेलवे जो भर्ती बोर्ड था उसका, ये नोटिस आया था 25/1/2022 को, जिसमें लिखा हुआ था कि रेलवे ने, इस संज्ञान में आया कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन कर ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। इस तरह की गतिविधियां रेलवे सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ही उन्हें रेलवे की जो नौकरी है प्राप्त करने के से आजीवन प्रतिबंध भी किया जा सकता है। यह नोटिफिकेशन आया था दोस्तों रेलवे के लिए। रेलवे ने यह चेतावनी दी थी दोस्तों छात्रों के लिए, जिसमें लिखा था कि सभी RRB सत्यनिष्ठ में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे गुमराह न हो और ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आए जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड का ये 25/1/2022 का नोटिफिकेशन था दोस्तों। ये चेतावनी मानो रेलवे भर्ती बोर्ड। अब दोस्तों दैनिक जागरण पेपर में ये न्यूज आई है, आज सुबह की ये खबर है, करीब 9:30 बजे की ये खबर है। उसमें लिखा है कि रेलवे एग्जाम उम्मीदवारों के विरोध के चलते NTPC लेवल 1 परीक्षाओं पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने लगाई रोक। रोक किस प्रकार से दोस्तों, यहां लिखा है RRB NTPC CBT 2 एवं ग्रुप डी CBT 1 रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा, जो फरवरी में परीक्षाएं आयोजित होने वाली थी, आपको पता है फरवरी में 15 से 19 फरवरी के बीच में NTPC CBT 2 होने वाला था, NTPC CBT 2 होने वाला था और दोस्तों 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला था। उन दोनों परीक्षाओं पर रेलवे ने रोक लगा दी है, जिसमें लिखा है कि प्रस्तावित दो भर्ती बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर देश भर में उम्मीदवारों के द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए रोक लगा दी गई है। आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि रेलवे की NTPC परीक्षा और लेवल 1 जो ग्रुप डी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है दोस्तों। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा नॉन टेक्निकल जो NTPC थी के दूसरे स्तर की, दूसरे चरण की जो परीक्षा होने वाली थी 15 से 19 फरवरी के बीच में, 15 से 19 फरवरी के बीच में जो परीक्षा होने वाली थी के दूसरे चरण CBT 2 और ग्रुप डी यानी RRC लेवल 1 के पहले स्तर की परीक्षाएं जो CBT 1 पर रोक लगा दी है। दोनों भर्ती परीक्षाओं आयोजन फरवरी 2022 के दौरान किया जाना था। समाचार एजेंसी PTI द्वारा साझा किए गए अपडेट के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है कि दोनों ही परीक्षाओं के आयोजन पर उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के चलते ये रोक लगा दी है दोस्तों। उसमें एक एजेंसी गठित की है, छात्रों के साथ में एजेंसी गठित की गई है और उस एजेंसी के तहत ही दोस्तों दोबारा से रिजल्ट पर पुनर्विचार किया जाएगा और जो CBT 2 ग्रुप डी में होने वाला था उस पर भी रोक लगाई है और उस पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। ये रेलवे छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सभी के लिए धन्यवाद।